आप लोगों को जो मैं कल दिखा रहा था वो था ये, हमने इसमें शेड डाल दिया, टीन शेड। तो जानवी रानी, कैसा रहा आपका फिर शादी और 3 दिन का ट्रिप? बहुत अच्छा। मजा आया आपको? मजा आया। अच्छा, क्या चोर के लिए जा रहे हैं घर से? कुछ भी नहीं, बस एक साबुन, बस एक सर्फ एक्सल का। अब वापस कब आएंगे फिर? अब आप तो भाई अपने गाड़ी का नंबर प्लेट आ गया, नंबर है 2855। अब भाई ये भी हो रहा है सुनने में, तो मुझे ये भी आ रहा है कि न्यू ईयर की पार्टी हमारे घर होगी। सपोर्टर था हम कहां शादी में? सच में? हां, कि न्यू ईयर की पार्टी तुम्हारे यहां होगी। हमने इकट्ठी, मैंने भी कहा पहले का ठीक है, ओके। भगवान, मैं तो चाहती हूं कि भगवान करे ऐसी हंसी खेलते रहे, है ना, बरकत। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चिलमन ऑफ चिराग रावत। आप लोगों ने कल का व्लॉग देख लिया होगा शादी का और उससे पहले हल्दी का। तो भाई अल्टीमेट शादी, अल्टीमेट हल्दी, अल्टीमेट मजा आया, बहुत मजा आया। तो बेसिकली अब ये बोल सकते हैं कि हमारी जो जनरेशन है उसमें से पहली दोस्त की शादी हो चुकी है, ईशा की शादी हो चुकी है और अब किसकी होगी वो देखते हैं। आप लोगों को जो मैं कल दिखा रहा था वो था ये, हमने इसमें शेड डाल दिया, टीन शेड। तो ये पूरा कवर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने कमेंट करके बताया था कि इसमें टीन शेड डल रहा है या ऊपर से कुछ गैराज बन रहा है, सही समझा आपने। बहुत सारी प्लानिंग चल रही है अभी उसके लेके भी, तो अभी फिलहाल यही है, इसको हमने कवर करा है। जैसे ये कवर हो जाएगा आपको पूरा दिखाऊंगा। फिलहाल चलते हैं नीचे क्योंकि फूफा जी और भैया आ रहे हैं दिल्ली से और उनके लिए हमने स्पेशल एक डिश बनाई है। तो पहले नीचे चलते हैं। और आज सबसे बड़ी बात, इंडिया और साउथ अफ्रीका का पहला T20 मैच भी है। चलो भाई देखो, ऐसे करके अंदर से कवर कर दिया है। ये लाल वाली शीट हमने ऊपर लगाई और ये व्हाइट वाली शीट, तो ये भी कवर होगा, ये नहीं होगा ना? आधा आधा, हाफ हाफ मतलब, और इधर भी हाफ हाफ। अच्छा, और पीछे भी आप? हाँ, तो फिर तो ठीक है, मुझे लगा ये आप पूरा कवर कर दोगे। मस्त है भाई, बैठने के लिए भी हो जाएगा यहाँ पे, धूप नहीं आएगी बस। तो भाई जो भैया लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों ने देख ही लिया जैसे कि शेड बन रहा है। तो भैया लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए चाय बना के ले आए, थोड़ी गिर गई, थोड़ी सी छलक गई, बस थोड़ी सी छलक गई। लो भैया चाय पियो, लो 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 जान भैया चाय पी लो। अरे कोई ट्रे एक मारे क्या? बोल ट्रे वहाँ रखी कौन है? अच्छा वहाँ रखे, क्या मस्त चमक रहा है। अरे लाल और वाइट, ये रही ट्रे, थोड़ी गंदी हो गई है पर कोई नहीं, धुल जाएगी। ये तो इस ट्रे को भी दे दो। अभी आज फूफा जी और भैया घर पर आए, बट जानवी ने उनको मस्त घुमाया, सत बड़ी ले गई। और अब फटाफट फटाफट खाना खा के देहरादून वापसी, मैं भी चलूँ साथ, कहाँ रहूँगा मैं? तो एक काम करते हैं, गाड़ी से चलते हैं तू और मैं, तुझे छोड़ दूंगा मैं और कल परसों वापस आ जाऊंगा, है ना? यही ठीक हुआ। क्या? तो पहले फूफा जी को चाय दे देते हैं। तो भाई फूफा जी लोगों ने, भैया लोगों ने खाना खा लिया है और खाने में क्या बना था आपको मैं अब बताऊंगा। नहीं शूट करा मैंने उनके साथ ज्यादा क्योंकि भैया थोड़ा काम कर रहे थे और थोड़ा पर्सनल टाइम भी होता है अपना यार। बट अब भैया लोगों के साथ जा रही है हमारी जानवी रानी। तो जानवी रानी, कैसा रहा आपका फिर शादी और 3 दिन का ट्रिप? बहुत अच्छा। मजा आया आपको? मजा आया। अच्छा, और क्या 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 चोर के लिए जा रहे हैं घर से? कुछ भी नहीं, बस एक साबुन, बस एक सर्फ एक्सल का। अब वापस कब आएंगे फिर? अब आप 15 जनवरी से 1 फरवरी तक छुट्टी हमारी। विंटर वेकेशन है भाई, विंटर वेकेशन 18 तारीख से हमारे पेपर है, दिसम्बर 18 से 15 जनवरी तक, एक महीने के पूरे 15 जनवरी से फिर हमारी छुट्टी है 1 फरवरी तक, 15 दिन हम घर में। तो मोटे चलो फिर भाई सब सही है, चल सब सही है। देख रहे कुछ बचा तो नहीं मेरा कहीं? चार्जर, हेडफोन, वो पैसे, ये सब रख लिया। और ये चप्पल निकाल के जाना? ये चप्पल निकाल के जानी। चलो फिर, चलो तुम छोड़ते छोड़ के आए, तुम्हें भैया लोग छोड़ देंगे। चलो चलो, तो भी वापस आ चुके हैं हम खेत पे क्योंकि भैया अब जा रहे हैं, मतलब वो भैया जो है वो बुआ के बेटे हैं, तो वो बुआ के पास जाएंगे। तो बुआ के लिए सब, बुआ के लिए, ताऊ जी के लिए, ताई जी के लिए, सब के लिए राय, धनिया, राय, जो जो चाहिए। बड़े बड़े हो गए मम्मी? बताओ यार, देखो पूरा वो थैला भर के सब्जी देंगे आप। धनिया भी दे रहे? अच्छा तो भाई 15 जनवरी को बोल रही है, 15 जनवरी से फरवरी तक मैं फिर यही हूँ। बस ऐसी बोलती है फिर उसके बाद? तो भाई देखो ये मैंने पूरा भर के एकदम बुआ के लिए
ताऊ जी के लिए, ताई जी के लिए पूरी राई भर के दे रखी है, अब बांटते रहना तुम। चल भाई, चल बाय, चले भाई तुमको छोड़ दे। चलो वो देखो, वो जा रहे हैं भैया, वो जा रहे हैं फूफा जी। भैया के पास मस्त राय और मेरे पास ताम, मेरे पास ताम झाम, और ये ले जा रही रात का खाना, टिफिन भर के, टिफिन भर के वो भी ठीक है, टिफिन भर के ले जा रही है भाई। हैं भैया को बोल देना कहाँ पे छोड़ना, भैया तेरे को छोड़ देंगे ना, भैया को मतलब क्या ड्राइवर को बोल देना, ठीक है ना। तो भैया, भैया मस्त जा रहे हैं, चले भाई। चलो भाई चले गए, अब वो भी चलेगी और मैं भी अब जाके मस्त खाना खाऊंगा और आप लोगों को अब दिखाता हूँ मम्मी ने बनाया क्या था भाई, इतना बेहतरीन मतलब मज़ा आ जाए। और अभी तक जो आप लोगों ने रिस्पांस दिया है ना मेरे हल्दी वाले वीडियो पे, भाई मज़ा आ रहा है देख के, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं लोगों के, इतने अल्टीमेट कमेंट्स, मज़ा आ गया। खाना दिखाता हूँ आप लोगों को, मम्मी एक बार मेहमान चले गए, अब फिर आपके अब किस मेहमान की तैयारी करनी है? वो कोई मेहमान है, वो अपने लोग। हाँ मतलब आप कौन आ रहा है? हमारा कोई सब पता कर रहा है। अब भाई ये भी हो रहा है सुनने में, तो मुझे ये भी आ रहा है कि न्यू ईयर की पार्टी हमारे घर हो गई। किसने बोला तुझे? सब बोल रहे थे वहाँ। कहाँ? शादी में। सच में? हाँ कि न्यू ईयर की पार्टी तुम्हारे यहाँ होगी, हमने कहा ठीक। मैंने भी कहा मैंने कहा ठीक है ओके। कोई बात नहीं, भगवान मैं तो चाहती हूँ कि भगवान करे ऐसी हंसी खेलते रहे, है ना, बरकत जिसके घर मेहमान आते हैं उसके बरकत रहती है, कहते हैं उनकी आंखें मजबूत होती है, इसलिए वो तो है, ये बात तो है, इसलिए मैं भी जाता हूँ। और भाई आपको मैं दिखाता हूँ, मम्मी ने बनाया क्या था, मम्मी ने बनाया था बना हुआ मटन। तो बेसिकली ये था मटन, पहाड़ी मटन बोलते हैं इसको, और इसके साथ रोटी मिला दी ना, मुझे कम तो नहीं पड़ी ना, क्योंकि मैं खाना तब खाता हूँ जब सब सब खा लेते, उसके बाद मैं खाना खाता हूँ आराम से निधरक होके। तो और सबसे बड़ी बात, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ, मैं चावल नहीं खाता, मैं चावल नहीं खाता, मैं खाता हूँ सिर्फ और सिर्फ रोटी बस। तो भाई ये देखो पूरा इसका पूरा ढांचा चेंज हो गया, पहले खुला था अब बंद हो गया, देखो अब पूरे तरफ से बंद हो गया, वहाँ से भी बंद हो गया, यहाँ से भी ऐसे कर दिया और यहाँ से भी ऐसे कर दिया, ताकि गाड़ियाँ जब खड़ी हों तो अंदर ना आए बारिश। तो ये पूरा जो है सिनेरियो चेंज हो चुका है, अब ये जो सामान बचा है ये वापस जाएगा, तो ये तीन तो वापस चले जाएंगे, ये छोटे छोटे पीस है जो इसको हम रख लेंगे, इसका कुछ कर देंगे आगे जाके, कुछ ना कुछ बनी जाएगा ये, कुल कल या परसों में यहाँ पूरा साफ करवा देंगे, तो ये पूरा साफ हो जाएगा, तो हमारी सारी गाड़ियाँ जो है अंदर आ जाएंगी। चलो बढ़िया, ये भी हो गया। अब मैं आपको इसको ऊपर से दिखाता हूँ, ऊपर से लाल कलर का है ना, तो आपको अच्छा दिखेगा ये। फिलहाल चलते हैं, पहले आप मैच शुरू होने वाला है, मैच भी देखना है आप लोगों के साथ बैठ के देखना है, बिकॉज मज़ा आ जाएगा तब। चलो तो भाई साहब, मैच तो मुझे लग रहा होने से रहा, क्योंकि बारिश हो रही है एज यूजुअल, जो कि हमेशा होता है। तो मुझे फिर से मुझे आटा गूंदने का काम मिल गया, पहले मैंने कढ़ाई में रखा था, फिर मैंने कढ़ाई से उठा के अब इसमें रख दिया। मम्मी मेरे पे चिल्लाएगी कि तूने पहले कढ़ाई की यूज़ करी, फिर कढ़ाई यूज़ कर लेता, ये सब के घर में होता है भाई, पहले हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई फिर से करके मैंने आटा गूंद दिया, मैं आ रहा हूँ भाई। क्या सर, थोड़ा सा मेरे वो नहीं आया, वो महीने की तनख्वाह तो बहुत बोल रहा था मुझे अभी दो दिन तो काम किया, दो दिन में कौन दे रहा तनखा यहीं पे छोड़ दूं क्या इसे? हाँ जी। The next day. तो भाई कल तो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ T20 का, और जो सिलेक्ट जो ग्राउंड था मतलब जहाँ पर मैच होने वाला था, तो जो कोच थे वो भी गुस्सा सबका मूड ऑफ, क्योंकि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो कोई खेल नहीं पाएगा, तो इसलिए नहीं हुआ। बट हमारी मम्मी ने फिर खेत में जो है अटैक कर दिया दोबारा। क्या कर रहे मम्मी आप? गुड़ाई तो कर दी, और क्या कर रहे हो? अच्छा मुझे बताओ कि मैं जा रहा हूँ मार्केट फिलहाल। तो ये देखो क्या कर मम्मी आपने, लगा रखा था तो केयर भी तो करनी पड़ेगी, गुड़ाई करी मैंने दोनों खेत। ये मूली लगी हुई, ऐसी कितनी मूली लगी होगी? बहुत सारी लगी है, तो सारी है। तो भाई जिसको भी अगर किसी को सामान चाहिए हो हमारे खेत से, मूली राय भुज्जी, हम नहीं भी रहे तो आके निकाल के ले जाना, मतलब अगर हम कहीं गए हैं तो आओ निकालो और ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, गेट खुला है बस। अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल मार्केट, और अरे कब जाएंगे,
चलाया मैंने। खोल दी मशीन दोबारा में। तो भाई अपने गाड़ी का नंबर प्लेट आ गया, नंबर है 28555, हमेशा रहा है हमारी गाड़ी में, जैसे 7595 2855 5454 5454, हमारे पहले गाड़ी का नंबर 5454 था, तो 5 तो हमेशा रहा है गाड़ी में। चलते पहले नीचे इसको स्कूटी में लगवाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर हमने कहीं और जाना है, बट उससे पहले ब्लॉक को करेंगे एंड, आपको बताऊंगा अभी क्यों। तो वही गाड़ी आ चुकी है घर, गाड़ी का नंबर आ चुका है, जैसे आपको पता है लग चुका है उसमें ऑलरेडी, अब 285 गाड़ी का नंबर है 2855, यहाँ भी लग गया और यहाँ पे भी लग गया, बढ़िया गाड़ी। तो अब मैं आपको पहले इसको दिखाता हूँ जो ये बना है ना, इसको ऊपर से दिखाता हूँ कि कैसा बन रहा है, कैसा लग रहा है, फिर चलते हैं कहीं, कहाँ आपको कल वक्त के ब्लॉग में पता चलेगा, अभी नहीं। आंटी जरा खोल दो इसे। तो देखो ये हो गया है आगे से ऊपर से, मतलब ऐसे, और अगर थोड़ा दूर से ले जाऊँ तो जो व्हाइट वाली चादर लगी है ना, ये ऐसे लगता है, ये देखो वो ग्रीन, ये रेड और ये वाइट, उस तरफ से भी वाइट हुआ है। तो ये हो चुका है काम पूरा, यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ कितनी बन सकती हैं, जितनी चाहो उतनी गाड़ियाँ आ सकती हैं। तो अभी इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, मैच तो हुआ नहीं यार, खैर क्या कर सकते हैं। तो अभी इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम लोग यूट्यूब पर है ना आप लोगों को पक्का पता चल जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।